सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस सबमर्ज आर्क वेल्डिंग. बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ अवर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. इन दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग जनरली अवर द आर्क इज जनरेटेड विद इन इनसाइड अवर मोल्टन पूल. सो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इन विच आर्क इज जनरेटेड बिटवीन ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस बाय सप्लाइंग solid form of the flux through the welding torch, it will cover on the surface of the arc such that arc will be submerged under the flux. तो basically अब हमारा जो submerged arc welding है, ये कैसी arc of welding होती है जिसके अंदर जो हमारी arc होती है वो basically किसके अंदर submerged रहती है, हमारी जो molten फ्लक्स होता है. और जो बेसिकली हम जो फ्लक्स सप्लाई करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में सप्लाई करते हैं थ्रू दी टॉर्च. तो आप देख सकते हैं और जनरली जो हमारे इसके अंदर जो फ्लक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं कौन कौन सा कर रहे हैं, हमारे कैल्शियम ऑक्साइड कर रहे हैं, ठीक है, CaO. और बेसिकली इसके अंदर हमारी जो क्या नाम है कंडीशन होती है कौन सी होती है, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी. रिवर्स पोलैरिटी मतलब अब जो हमारा इलेक्ट्रोड है, मतलब इलेक्ट्रोड उसके ऊपर क्या होगी, हीट ज़्यादा जनरेट होगी और जो वर्क पीस है उसके ऊपर हीट क्या होगी, कम जनरेट होगी. तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिपोजिशन रेट होगा हमारा इलेक्ट्रोड का, मतलब इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू हमारे पेरेंट मेटल शीट जिसे हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है भाई. और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक हमारी एक वेल्डिंग टॉर्च है जिसके अंदर एक हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जिसमें क्या हो रही है, हमारी आर्क जनरेट हो रही है. उस आर्क की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड मेल्ट हो रहा है और साथ के साथ हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स प्रोवाइड कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है. और उस फ्लक्स जैसे ही हमारा आर्क से या हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल्टन पूल में या मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और वो क्या करेगा, हमारी जो आर्क है उसको क्या कर देगा, सबमर्ज कर देगा विद इन, ठीक है. और अब बेसिकली अब जो हमारी आर्क की सरफेस है, मतलब ये अपना जो आर्क है वो किसके अंदर सबमर्ज हो रही है, फ्लक्स के सरफेस के अंदर. और जो उससे हमारे बेनिफिट क्या है, सबसे पहला जो बेनिफिट है क्या है हमारा, जो हीट ट्रांसफर लॉस फ्रॉम दी आर्क विल बी मिनिमम. अब क्या हो रहा है, जो आर्क हो रही है विद इन दी हमारी फ्लक्स का जो मोल्टन स्टेट है उसके अंदर हो रही है, तो जो क्या होगा एटमोसफेयर के साथ क्या होगा, वो एक्सपोज नहीं होगा एटमॉस्फेयर को. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर रेट है हमारा टू दी सराउंडिंग क्या हो जाएगा, वो मिनिमम, मतलब हीट लॉस क्या हो जाएगा हमारा, मिनिमम हो जाएगा. जो भी हीट ट्रांसफर होगी आइदर या तो वर्क पीस पे हो रही है या हमारी इलेक्ट्रोड पर हो रही है. दूसरा क्या है, हीट कंसंट्रेशन ऑन दी वर्क पीस एंड दी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज मोर. अब जो हमारी हीट कंसंट्रेशन है वो मोर किसके ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, वर्क पीस, और हमारा जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है वो भी क्या है हमारा, मोर है इसके अंदर एज कम्पेयर टू अगर हम दूसरी वेल्डिंग्स की बात करें जिसके अंदर हमारी कंडीशन कैसी होगी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है भाई. बाई रिड्यूसिंग एंड स्प्लैशिंग ऑफ द लिक्विड मेटल वेल्डर स्पैटर विल बी नेग्लेक्टेड. तो बेसिकली अब क्या है, अब इस ये फ्लक्स क्या कर रहा है, उसको कवर कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी स्प्लैशिंग है लिक्विड की वो भी क्या होगी, स्प्लैशिंग मतलब हमारी मोल्टन जो मेटल्स है वो क्या होगा, वेल्डिंग एरिया को छोड़ के क्या करेंगे, दूसरे पार्ट्स के ऊपर जाके इन ड्रॉप फॉर्म चले जाते हैं, वो भी क्या होगा हमारा, मिनिमम होगा. और वेल्ड स्पैटर क्या होता है, एक तरीके से हमारा वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, वो भी क्या हो रहा है इसके अंदर बहुत कम है. स्लैग इंक्लूजन विल बी मिनिमम. स्लैग मतलब जो हमारा ऑक्साइड फॉर्मेशंस वगैरह होते हैं, जो इंप्यूरिटीज़ होती है वेल्ड पूल के अंदर या जॉइंट्स के अंदर, वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है. इट कैन बी यूज्ड इन मास प्रोडक्शन के अंदर, ये यूज़ होता है. वेल्डिंग कैन बी परफॉर्म्ड इन फ्लैट पोजीशन ओनली हम फ्लैट पोजीशन के अंदर ही कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर. और जो इसकी वेल्ड बेड विड्थ एंड हीट अफेक्टेड जोन इज़ मैक्सिमम. अब जो इसका वेल्डिंग थिकनेस है, मतलब इसकी विड्थ है, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और जो इसकी क्या नाम है अफेक्टेड जोन होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम. तो जिसकी वजह से जो जॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है भाई. अब ये बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है हमारा, जॉइनिंग ऑफ हाई थिकनेस प्लेट इन शिप बिल्डिंग के अंदर यूज़ होता है, फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल्स जो होते हैं हमारे, एंड LPG सिलेंडर. तो जनरली जो LPG सिलेंडर से हमारे किससे बनते हैं, वो हमारे वेल्डिंग से, जो हम उसको वेल्ड करते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग से. स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन फॉर माइल्ड स्टील एंड
लो कार्बन स्टील। तो ये जनरली हमारे स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस के लिए भी हमारी जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।